जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरुजी आपसे क्वेश्चन करना है, पर एक चीज़ बताइए, जब मैं आपके सामने बैठता हूँ, मैं समाज में कई सारे लोगों के साथ में बैठता हूँ, उनके साथ में मैं आराम से चर्चा कर लेता हूँ, पर आपके सामने आते विवेकहीन हो जाता हूँ। ना ना, ऐसा नहीं है, आप विवेकवान हैं, पर अंदर ना दिल की धड़कन धक धक धक। नहीं नहीं, होता है कई बार ना, जब हम मंचों में नहीं होते और सामान्य कई बार अचानक मंच मिल जाए तो अंदर से कंपन तो हो ही जाता है। वो आप बढ़िया हैं, आप पूछिए। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, मेरा सवाल एक पूरे एक समाज के लिए है, और उस एक समाज के अंदर मैं आता हूँ, पूरा समाज जो टीवी पे देख रहे हैं वो, ये मेरा बेटा, जो कि माता पिता हम बन जाते हैं, तो माता पिता हम बन गए हैं, पर फर्ज नहीं पता जो बच्चों के लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे जब हम गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी को चलाना नहीं जानते तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से हम शादी कर लेते हैं, माता पिता देखते हैं उम्र हो रही है करा देते हैं, नहीं पता कि गृहस्थी का पहले समझाते नहीं है कि गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, और फिर मार पिटाइयाँ, लड़ाई झगड़े, तलाक, ये सब चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से हमारे घर में बच्चे हो जाते हैं और उनके भविष्य के बारे में नहीं पता होता कि कैसे उनका भविष्य बनाए, और फिर वो भविष्य बिगड़ता है और वो हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते, और हमें लगता है कि हमारे बच्चे नालायक निकल गए, जिसमें कमी हमारी ही होती है। तो गुरुजी मैंने ये चीज़ देखी कि आज 2023 में तो ऋषियों ने जो कहा, मुनियों ने जो कहा, संतों ने जो कहा, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जो सब कुछ कहा, उनके अंदर में अपूर्व ज्ञान है कि जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उन्हें वो ज्ञान है, पर आज वो ज्ञान दबता चला गया। हमारे स्कूलों के अंदर हमने बच्चों को भेजा, 10-10, 12-12 साल भेजा, और पूरे का पूरा खर्चा भी उनका, माता पिता ने ना जाने कैसे कैसे करके उनकी फीसें भरी, पर बच्चों के अंदर में आया क्या जो देखा जाता है, वो नशों के आदि हो जाते हैं, उनको माता पिता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं आता, उनके अंदर नाना तरह के दुराचार जैसे किस्म के उनके अंदर आचरण है। तो हमारी शिक्षा ने हमें ये सब चीज़ें दी जो आज जो मिल रही है स्कूल के अंदर। तो मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के ये चिंतित हूँ कि आज के समाज के अंदर में हम तो बहुत बेकार से बेकार माहौल में रह करके हम बड़े हैं और आज आपके सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान जी की कृपा ना, जब तक ना हो तो गुरु जी नहीं मिलते, तो उनकी कृपा तो मुझे तो आप मिल गए, पर आने वाले कुछ समय के बाद में जो हमारी जनसंख्या है, हमारे जो बच्चे हैं, अब मुझे ये बताइए, अगर उन प्राइवेट स्कूल में भेजते रहेंगे तो उनके अंदर में वहाँ से वो शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, संतों से गुरु जी के चरणों में बैठ के तो मिलती है, पर उस स्कूल के अंदर में अगर 100 बच्चे क्लास के अंदर है, 50 बच्चे हैं, एक हमारा बच्चा, हम उनको संस्कार घर पे दे रहे हैं पर उसके 8-8 घंटे बाहर स्कूल में बीत रहे हैं और वहाँ से वो गंदी गंदी चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसे में हम कैसे उनको अच्छा बनाएं, ये बताइए। क्योंकि एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस पर आपको, कि हमारे धर्म के अंदर में सच में इतनी ताकत है, मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा हिंदुस्तान आपके कहे वचनों के अनुसार चले, तो हर एक माता पिता को एक सुंदर सा, एक सुशील, एक अच्छा बच्चा मिल जाएगा, एक बीवी को एक अच्छा पति मिल जाएगा, एक पति को अच्छी बीवी मिल जाएगी, तो इतना अच्छा हो जाएगा हमारा समाज, धर्म में इतनी ताकत। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज कोई इंसान करोड़ों रुपए भी कमाता है, जो कि हम देखें कि हमारे कॉलोनियों के अंदर में जो डीलर लोग होते हैं खूब कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, पर उन्हें धर्म नहीं होता, उस कारण से वो पैसा वो अपने में ही पूरा का पूरा संभाल लेते हैं, पर जब जहाँ पर धर्म होता है, जैसे आप धार्मिक है, तो वो पैसा कितने अच्छे अच्छे कर्मों में यहाँ पर लग रहा है, आप कमाते हैं या आपके पास में जब धन आता है, वो इतना अच्छे अच्छे कार्य होते हैं उस पैसे से, तो ये सब धार्मिक इंसान कर सकता है, लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो कभी छोटा सा भंडारा नहीं देखा हमने उनके घर ऑफिस के आगे में, पर आप लोग धार्मिक हैं तो धार्मिक इंसान कितना कुछ अच्छा करता है, कितना मतलब लगता है वो मनुष्य कहलाने के लायक है, तो धर्म में इतनी ताकत है, तो ये शिक्षा हमारे बच्चों तक कैसे मिले कि जैसे 8 घंटे स्कूल में मिल रही है। चिंता ना करिए, आपके बच्चे कितनी भी देर स्कूल में गुजारे, सत्संग के बारे में लिखा है, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। कितना भी बड़ा कुसंग हो, कई सालों से किसी कमरे में अंधकार हो, किसी गुफा में कई करोड़ों वर्षों से अंधकार हो, और आप एक जरा सा दीपक जला दीजिए तो अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं तो यहाँ करोड़ों साल से रह रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। दीपक जलाते ही
सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। कुसंग का अंधकार जरा से सत्संग से ही सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए सत्संग थोड़ा ही सही बस बना रहे तो कुसंग जीवन में आएगा, पर वो प्रभावशाली नहीं होगा। प्रभाव जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे हमारे सरकार के द्वारा बंदोबस्त होते हैं कि यदि किसी सेना ने किसी अन्य देश ने हमारे पर अटैक किया, मिसाइल फेंकी, तो हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें हैं कि उसकी मिसाइल को हम रास्ते पर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो बस यही है कि कुसंग यदि हमारी तरफ बढ़ रहा है तो हमारे जीवन में सत्संग इतना प्रभावशाली होता है कि बढ़ते हुए कुसंग को रास्ते में ही समाप्त कर देता है। सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग पर्याप्त है जरा सा, बहुत कुसंग को मिटाने के लिए, बहुत कुसंग को मिटाने के लिए लोहा, जो लोहा करोड़ों साल से लोहा है, उस लोहे को जरा पारस तो मिल जाए, एक सेकेंड के टच से वो सदा के लिए सोना बन जाएगा। यही है सारी जिंदगी कुसंग में रहने वाला व्यक्ति। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सारी जिंदगी कुसंग में रहे पर एक दिन की कथा में सुधर गए, एक दिन की कथा ने पूरा जीवन बदल दिया, ऐसे कितने लोग यहाँ होंगे। गुरुजी कुछ कहना चाह रहे थे अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने समाज के अंदर में, मैंने जब से आज मैं 29 साल का हो गया, मैंने देखा हमारे समाज के अंदर में सही में अगर हमारे समाज को कोई अच्छी दिशा दिखा रहा है तो हमारे सनातनी गुरु। और ये जो अच्छी दिशा आप लोगों ने दिखाई है ना, इससे पता है कि कई लोगों ने दारू पीना छोड़ दी तो दारू की कंपनियों को नुकसान हो गए, कईयों ने मांस खाना छोड़ दिया तो मांस काटने वालों को नुकसान हो गया, तो कईयों ने आपकी ढाई ढाई घंटे जो कथा देखी है सनातनी गुरुओं की देखी है तो न्यूज़ देखना बंद कर दी, तो डिप्रेशन उनको कम हो गया, तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, न्यूज़ वाले परेशान हैं कि हमारा टीआरपी नहीं बढ़ रहा क्योंकि तो ढाई ढाई तीन घंटे कथाएँ चल रही हैं। सही, तो सब सही है, ये बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी तो बहुत सारा जो मतलब डिपार्टमेंट अगर हम कहें तो कई सारे लोग वो परेशान हो गए हैं कि ये अच्छा समाज हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि जब तक ये व्यभिचारी हैं इनके अंदर अच्छे आचरण नहीं है तो ये हमारी इनकम सोर्स है, यही अच्छा, लोग हमारी इनकम है। आपने एक अच्छी बात कही। एक बात आपको देखो इनके माध्यम से मैं बताऊँ, इस बात के द्वारा मुझे बात प्रकट हो गई कि समाज में बिगड़ी हुई समाज का कुछ लोगों को बहुत फायदा मिलता है। यदि आप बिगड़ जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, मांसाहारी बन जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो आपके गलत होने से किसी को बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपके अच्छे होने से सिर्फ आपका फ़ायदा है और किसी का नहीं है। आपके बुरे होने से, जैसे इन्होंने अभी नाम गिनाए किन किन को, शराब ना पीने से शराब कंपनियों को, मांस ना खाने से मांस को, और तीसरा भी नाम चौथा भी नाम हो सकता है, पर आपके बिगड़ने से जमाने को फ़ायदा है पर आपके सुधरने से सिर्फ आपका फायदा। इसलिए अपना फायदा यदि चाहते हो तो सही रास्ते पर चलो। गुरु जी मुझे नहीं पता था कि गुरु जो बनाए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं, पर मुझे आज ये पता लग गया कि गुरु वो छतरी है, वो चप्पल है, चप्पल से तो नहीं करूँगा मैं, छतरी है जो भरी धूप के अंदर, मई जून की धूप के अंदर खुद तप करके और अपने उससे नीचे अपने शिष्यों को ना छांव देती है। बिल्कुल, जलते जलते गुरु, गुरु वह चप्पल भी है जो आपके रास्ते में कुसंग के कांटे को लगने से बचाती है। आज गुरुजी आपके आपके मार्गदर्शनों से मतलब जीवन इतना अच्छा हो गया है कि कोई तो खर्चा नहीं है, कुछ अगंदे आचरण नहीं है जिससे मेरा 10 रुपये भी व्यर्थ में जाए। आज मैं जो भी कमाता हूँ तो अपनी फैमिली को वृंदावन के लाला करके बाकी बैर जी को अपने गुरुजी के दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल, आज मेरा जो धन है वो बहुत अच्छे कामों में लग रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। खुश रहे, भगवान सदा आपको सुखी रखे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए।